जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आरआरबी जेई ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जहाँ पर आपको लेटेस्ट जानकारी के साथ में इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक भरने का प्रोसेस बताया जाएगा, जिसमें कि जो आपके सामने लास्ट डेट के नज़दीक आने पर जो इशू आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनका सोल्यूशन आपको उसी स्टेप पर दिया जाएगा। इसके अलावा लास्ट डेट आपकी क्या है वो आपको बताया जाएगा। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 29 अगस्त 2024 है और अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि आपकी डेट आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, तो इसलिए आपको इसमें तुरंत अप्लाई कर लेना है अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया। और अगर बात करें कि कितने फॉर्म अभी तक भरे जा चुके, तो अभी तक लगभग आपके 17 से 18 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। और अगर आप जोन वाइज फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहते हैं कि कितने भरेंगे किस जोन में, तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें फॉर्म को अप्लाई करना है अगर आपने नहीं किया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये हमने हमारी ऑफिसियल वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ओपन करेंगे तो ये सब इंफॉर्मेशन आएगी और ये सब इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, देन आपके सामने होम पेज आ जाएगा। अब आप यहां पर ऑलरेडी अगर आरआरबी जो अभी रिसेंटली फॉर्म निकले थे रेलवे के द्वारा वो भरे हैं, तो फिर आप यहां पर अपना लॉग इन कर लेंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके। बट अगर आप फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहां पर भी आपको यही बोला जा रहा है नोट के कि अगर आपने रिसेंटली आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरा था, या फिर एएलपी का फॉर्म भरा था, या फिर जो आपका कांस्टेबल का फॉर्म है वो भरा था, या फिर जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी आरआरबी की वो आपने भरी थी, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप फ्रेशर है तो आप यहां पर नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आप ओके कर दीजिए। उसके बाद में कंट्री ऑफ नेशनलिटी में आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जो भी आपका फुल नेम है वो आपको यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है, उस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर कि क्या आपने 10वीं के बाद में कभी अपना नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर गाइस जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका ईयर है पहले आपको वो सेलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ से आपका जो मंथ है वो आप सेलेक्ट करेंगे और फिर आपका डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे, अपना फादर नेम देंगे, ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर आप मदर नेम डालेंगे और मदर को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद यहां पर अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक करेंगे। पर अगर आपका आधार कार्ड नहीं है या आप आधार की इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते, उसमें आपका नाम कुछ और है, तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके यहां पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करिएगा। और फिर आप यहां पर अन्य कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए जो कि यहां पर आपको दी गई है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी, तो जो भी आप अन्य आईडी देना चाहते हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट कर ले और उसका नंबर यहां पर डाल दे, किसके द्वारा वो जारी हुआ है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर ले, जैसे कि पैन कार्ड इनकम टैक्स के द्वारा जारी होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आप यहां पर वो एंटर कर दीजिए। उसके बाद में पैलेस ऑफ इशू, तो कहां से इशू होता है, ये मुंबई से इशू होता है, तो आप यहां पर इसको इस तरह से डाल दीजिए। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस जो कि आप यहां पर रजिस्टर करना चाहते हैं वो भरिए और जनरेट ईमेल ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आपको चेक करके यहां पर डाल देना है। उसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके ऊपर भी ओटीपी जनरेट करने के बाद वो ओटीपी यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप एक पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल करेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है, तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर एक कैप्चा कोड डालेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने भरी होगी अभी तक वो आपके सामने आएगी जब आप उनको वेरीफाई कर ले कि हाँ सभी जानकारी सही है, तब आप यहां पर इसको सबमिट करेंगे यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखा है, इसलिए अब मैं यहां पर होम पेज पर आता हूं और आपको भी ऐसा ही आना है जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए और फिर आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो नंबर या ईमेल एड्रेस अभी आपने रजिस्टर किया वो यहां पर डालेंगे, जो पासवर्ड बनाया अभी आपने आपकी मर्जी का वो आप डालेंगे और ये कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आप यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर आएंगे और आप देख सकते हैं कि आपकी जेई की वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिल रही है, तो आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना है कि आपको किस आरआरबी के लिए अप्लाई करना है। अगर अभी तक आपने ये नहीं जाना कि कौन से आरआरबी के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, तो एक बार यहां पर जो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं इसको ओपन करके आप इस टेबल में आकर के देख लीजिएगा और जिसके लिए भी फिर आपको यहां पर अप्लाई करना है वही आपको यहां पर आरआरबी सेलेक्ट करना होगा आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आप यहां पर टिक करेंगे एंड उसके बाद में आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर जो इंफॉर्मेशन मैंने जो एएलपी का फॉर्म भरा था, टेक्नीशियन का
भरा था, कांस्टेबल एसआई का भरा था और उस वक्त भरी थी, वो यहाँ पर फेच कर ली गई है। अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो फिर आपको ये शुरू से भरनी होगी। इसमें देख सकते हैं मेरी जानकारी फैच है और कुछ जानकारी अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मेंटल स्टेटस आप बताएंगे मैरिड है अनमैरिड है, आपका रिलीजन क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, क्या जो छूट मिलती है फीस में, जैसे कि एस सी एस टी को 250 रुपये फीस पे करनी होती है और जो कि एग्ज़ाम होने के बाद में वापस हो जाएगी, तो आप क्या वो चाहते हैं एग्जामेशन, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। मदर टंग आपकी मातृभाषा कौन सी है वो आप सेलेक्ट करेंगे और चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में लिखेंगे। अगर नहीं है कोई भी निशान तो नो मार्क लिख दीजिएगा। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर जैसे कि यहाँ पर दो मार्क देने हैं बॉडी के, तो अगर एक ही मार्क है तो सेकेंड में आप नो मार्क ही लिखिएगा क्योंकि ये भरना अनिवार्य है। उसके बाद आती है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट की जानकारी। तो मैंने यहाँ पर इस फॉर्म को ऐसे से भरा है, तो मैं यहाँ पर देख सक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कम्युनिटी देखने को मिल रही है, तो आप आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका कास्ट कौन सा है वो कास्ट आप यहाँ पर लिखेंगे। सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना जो कि आपको सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगा, और कौन सी अथॉरिटी के द्वारा ये जारी हुआ है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको देखना है, और उसमें जहाँ पर नीचे मोहर लगी हुई होती है, जहाँ पर साइन हुए होते हैं, वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है एक पोस्ट का नाम, तो जिस भी पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है वो पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर इसमें ना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अदर का ऑप्शन है नहीं है, तो बल्कि अदर का ऑप्शन इसमें नहीं दिया तो आपको इसमें पोस्ट ही देखनी होगी। जैसे कि अगर आपके तहसीलदार द्वारा जारी हुई है तो आप यहाँ पर तालुका मजिस्ट्रेट ये सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी है बेसिकली आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जिसने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है वो पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी। कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो आप सेलेक्ट करेंगे, किस डेट में जारी हुआ है वो डेट सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में क्या जो फ्री रेल ट्रैवल पास फॉर द एग्जाम है क्या आप उसको अवेल करना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप डाल देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद में, और जो भी आपकी फाइल है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करनी है और फिर सेव कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस आएगा, तो एक तरफ है प्रेजेंट और दूसरी तरफ है परमानेंट एड्रेस, तो जो भी है वो आप यहाँ पर भरिए, पहले स्टेट सेलेक्ट कीजिए फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर डाल दीजिए, आपका टाउन सिटी कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए और आपका पिन कोड भी डाल दीजिए। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो यहाँ पर नीचे टिक कर दीजिएगा, अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भरिए और सेव कर दीजिए। अब गाइज आप जैसे ही सेव करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे कि सवाल पूछा कि क्या आप एक सर्विस मैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे, अगर आप विकलांग है तो आप यस करिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है, अगर आप EBC यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो यस करिए, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना होगा, क्या आप एक रेलवे के जो सर्विंग एप्लीकेंट है वो है यानी कि ऑलरेडी रेलवे के अंदर जॉब कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। करंट एम्प्लॉयमेंट अगर डिटेल इसमें कोई है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते तो वो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल बैंक की डिटेल देनी है जो कि फीस रिफंड के लिए काम आएगी, तो आपका अकाउंट किस नाम से है उसका नाम लिखिए, अकाउंट नंबर दीजिए, IFSC कोड डालिए जो कि आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा, और फिर कन्फर्म के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच कर लिया जाएगा। उसके बाद आप सेव करिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी, तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th देख सकते हैं, आपको मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना होगा और उसमें आपको क्या क्या भरना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपके बोर्ड का नाम डालेंगे, कब आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी होगी जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और फिर रोल नंबर डालना होगा आपका 10th का, और फिर इसको सेव कर देना है। फिर आप यहाँ पर जो आपकी सेकंड क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करके। इसमें आपको जैसे बताना कि आप 3-year डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई करें, डिग्री इन इंजीनियर या फिर बैचलर ऑफ साइंस, तो जिसके भी माध्यम से कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको आपका डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है, सब स्ट्रीम जो भी है आपका वो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए, स्टेट आपकी जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेज है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग आपकी जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी ऐड कर देंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करना है। गाइस फोटो में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करनी है क्योंकि अभी आपने देखा कि रिसेंटली इस वेबसाइट के माध्यम से जितने भी फॉर्म भरे गए थे उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने फोटो के अंदर गलती की थी, बैकग्राउंड व्हाइट नहीं रखा था, तो फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे कि उनके फॉर्म दोबारा से उनको बोला कि आप अपना फोटो साइन अपलोड कीजिए नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, इसलिए
आपको कोई गलती नहीं करनी है। किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह नहीं वो आप देख लीजिए। ऊपर जितने भी आपको डेमो दिए गए ये एक्सेप्ट नहीं होंगे, बिल्कुल ये वाला फोटो एक्सेप्ट होगा जिसमें कि व्हाइट बैकग्राउंड और इस तरह का उसमें आपको फोटो को अपलोड करना है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ मिलेगी आपको कि कैसे फोटो अपलोड करना है, किस साइज़ में बनाना है, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको वहाँ से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिर आपका जो भी फोटो है वो अपलोड करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं एक यहाँ पर रैंडम फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप जानेंगे कि आपका फोटो का साइज 30+ KB रहना चाहिए और 70 KB के बीच में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक ये रैंडम फाइल सेलेक्ट की। अब अगर आपको इसको जूम इन और जूम आउट करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं तो आप इसको राइट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि फाइल यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से आपको ये अपलोड करना है, फिर साइन अपलोड करेंगे। साइन का साइज भी 30 से 70 KB के बीच में रखा है, डायमेंशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर देंगे और फिर सेव कर दीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रेफरेंसेस है एलिजिबल पोस्ट जोन, तो जैसे कि यहाँ पर NWR जूनियर इंजीनियर जिस RRB से मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस RRB में यहाँ पर मैं इन सभी के लिए एलिजिबल हूँ, तो मुझे जिसके लिए जो प्रेफरेंस देनी है यानी कि जिसको जिस नंबर पर रखना है मैं उसके ऊपर पहले टिक करूँगा। तो इस तरह से आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनको प्रेफरेंसेस दे देनी है। और अगर आपको किसी दो को ही देनी है, किसी एक को ही देनी है, तो आप यहाँ पर उसको कट करके हटा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और इसके ऊपर टिक करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट एलिजिबल एग्जाम ग्रुप, तो आप किस एग्जाम ग्रुप में जो आपका ग्रुप है वो चाहते हैं, तो आपको मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के किन से जुड़े हुए आप क्वेश्चन चाहते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक कैंडिडेट प्रोसेसिंग मोर देन वन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो बेसिकली उसके बारे में आपको बताया कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आप डिक्लेरेशन देखेंगे यहाँ पर टिक करेंगे और आपने किस डेट में इस फॉर्म को भरा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और कहाँ से भरा है उस पैलेस का नाम आपको लिखना है और फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है, आप इन सभी को टिक चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको बोला जा रहा है कि इसमें बाद में आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छी तरीके से श्योर होकर के आप यहाँ पर सबमिट कीजिए और सबमिट करने के बाद में यहाँ पर फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। अब आपके सामने जो फीस का ऑप्शन है वो आ जाएगा, आप किस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं, पे विद SBI ई-पे या फिर पे विद CSC वॉलेट, तो जिस भी माध्यम से पे करनी है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पर टिक कीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें कि UPI भी है, इंटरनेट बैंकिंग भी है, डेबिट कार्ड भी है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करें और UPI का इस्तेमाल रात में मत करें, दिन में कीजिएगा क्योंकि उस वक्त सर्वर डाउन रहता है। तो आप यहाँ पर किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जैसे ही फीस जमा कर देंगे और वो अपडेट हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट ले पाएंगे एप्लीकेशन स्टेटस में जा करके। तो इस तरह से आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय